दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। दून निर्वाचन क्षेत्र के ज्वारला पंचायत का आरला गांव इन दिनों पूरी तरह से कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुका है। बीते दिन भी इस गांव में दर्जनों कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से ही पंचायत व स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले एक शादी के दौरान हुई चूक के कारण पूरे गाँव में कोरोना ब्लास्ट होने लगा है। दर्जनों पॉजिटिव मामलों के बाद गांव को कंटेनमेंट जोन में तब्दील करने को लेकर सोमवार को एसडीएम कसौली ने गांव का निरीक्षण किया है। उन्होंने मौके पर पहुंचकर कोरोना संक्रमितों के घरों के बाहर उनका स्वास्थ्य जाना और आरला गांव को 17 दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इस दौरान गाँव में कोई भी आवाजाही नहीं रहेगी। इस दौरान गाँव में लगातार पुलिस का पहरा भी रहेगा। नमस्कार, आज जैसे कि हमारे कसौली से एसडीएम साहब हमारे गांव आरला में आए थे और हमारे ये आरला गांव को कैंटोनमेंट जोन में शामिल करके गए हैं, तो मेरा सभी से निवेदन है कि वो सब इस बात का पालन करें, जो जो वो बता के गए हैं उसका पालन करें, और किसी भी चीज़ की कोई समस्या होती है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, और जो भी सामान ख़त्म होता है, लाना है, दवाई होती है, सब्जी जो भी है वो मुझे बताएं, और हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहें। जालना पंचायत का अरला गांव जो है वो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, और आज ये कल जो है वो रात को डिक्लेयर हुआ है माइक्रो कंटेनमेंट जोन। इसमें कल ही 20 के आसपास लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और इससे पहले भी 5-6 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कुल मिला के 25 के आसपास लोग जो है वो इस गांव में कोरोना पॉजिटिव हैं। तो आज हमने सभी टीम के सदस्यों के साथ पुलिस, हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम, हमारे बाकी पंचायत के सभी कार्यकर्ता जो है पंचायत प्रधान और बाकी सदस्यगण, वो लोग भी सभी ने मिलकर पूरे गांव का हालचाल जाना और लोगों को हिदायत भी दी कि वे अपने घरों से बाहर ना निकलें। जो भी उनको सामान इत्यादि चाहिए वो पंचायत के संपर्क में रहें और पंचायत को बताएं। पंचायत जो है वो जो भी उनकी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो मुहैया करवाएगी। इसके साथ साथ हमारी जो हेल्थ की टीम है वो समय समय पर जो है वो रोज़ाना इन लोगों से जो है वो हालचाल पूछ रही है। इनके जो भी ऑक्सीजन लेवल है या दूसरी चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है। तो जैसे ही हमें कोई सूचना प्राप्त होती है कि कोई समस्या आ रही है, हम एहतियातन जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं, और लोगों को भी हमने हिदायत दे रखी है कि कोई भी व्यक्ति बाहर ना जाए, अपने कंटेनमेंट जोन से बाहर ना जाए, ताकि कंटेनमेंट जो हमने की है उसका 144 जो लगाई गई है उसका भली भांति जो है वो पालन किया जाए। और ये इसीलिए है कि ये वायरस और ना फैले, हम निगरानी रखेंगे, पूरी निगरानी रखेंगे। हमारी टीम्स जो है वो समय समय पर यहाँ पर आती रहेंगी, ताकि कोई भी वायलेशन जो है वो इस क्षेत्र में ना आ पाए और हम इस वायरस को यहीं पर रोकने में सफल हों। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुबाथू से कपिल गुप्ता की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है, और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, देरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।